प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास राजकुमार आज इस प्रातःकाल आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज का दिन यहोवा परमेश्वर ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो रहे हैं। क्रिसमस का सीजन है, ये सप्ताह अगला सप्ताह हर्षोल्लास के साथ पूरे विश्व में इस खुशियों को मनाया जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं ये खुशी आपके हृदय के अंदर आए और ये चंद दिनों की खुशी ना रहे, लेकिन मसीह यीशु का जन्म आपके हृदय को हमेशा रोमांचित करे, खुश करे। आज जब हम प्रातःकाल एक नए सप्ताह को शुरू कर रहे हैं, बहुत सी चुनौतियां हैं, बहुत सी तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन उन सब के मध्य में प्रभु का अनुग्रह का हाथ हमारे साथ है, इसलिए उस प्रभु को हम दिल से धन्यवाद करें। अगर किसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर ये गवाही दे कि वो प्रार्थना करने वाला है तो आपको कैसा लगेगा? है ना, हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में ऐसी बात कहें, और अगर परमेश्वर कह रहा है तो उसमें तो बहुत यथार्थ है। एक ऐसे व्यक्ति को आप पवित्र शास्त्र बाइबल में देख पाएंगे जिसका नाम अब्राहम है। उत्पत्ति की पुस्तक 20 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, उसके 7 वचन में परमेश्वर अबीमेलेक जो गरार का राजा है उसको जानते हैं क्या कहता है। सो अब उस पुरुष की पत्नी उसे लौटा दे, क्योंकि वो नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। अब्राहम विश्वासियों का पिता, लेकिन कितने भी विश्वस्त हो जीवन में पराजय हो जाती हैं। अब्राहम के जीवन में भी पराजय हुई, वायदे के देश को छोड़कर कादेश और शूर के बीच गरार में जाकर रहने लगा और बड़ी समस्या में पड़ गया। कारण क्या था? अबीमेलेक ने जब उसकी पत्नी सारा को देखा, वो बहुत खूबसूरत थी, उसने उसे अपने पास बुला लिया और जब अब्राहम से पूछे ये कौन है, तो अब्राहम ने कहा ये मेरी बहन है। झूठ बोला, एक परमेश्वर की वायदे के देश को छोड़कर आया, उसे परमेश्वर पर विश्वास नहीं है मानो। दूसरा, उसने झूठ बोला, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उससे दूर नहीं है। आज इस प्रातःकाल एक चीज याद रखिए, जैसे अब्राहम परमेश्वर से लगभग मानो दूर हो रहा है, अविश्वस्त है, झूठ बोल रहा है, मानो पाप में पड़ा है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर ही है, उससे दूर नहीं है, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। आप थोड़ा सोचिए, हमने कितनी बार अविश्वस्तताएं की, कितनी बार हम परमेश्वर से दूर हो गए, कितने कार्य हमने किए जो नहीं करने चाहिए थे, लेकिन उन सब के बावजूद भी परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा, परमेश्वर का अनुग्रह ने हमको नहीं छोड़ा, परमेश्वर के हाथ को उसने हमसे नहीं खींचा, और उस कठिनतम परिस्थितियों में भी परमेश्वर अब्राहम की मदद कर रहा है। आज ये आपका बड़प्पन नहीं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि आपकी इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को आपके ऊपर से दूर नहीं किया। लेकिन जब वो आपके लिए विश्वस्त है, आप भी उसके लिए विश्वस्त हो जाइए। परमेश्वर कहता है वो नबी है, यानी वो प्रॉफिट है, लेकिन प्रार्थना करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना मसीही जीवन की एक सच्चाई है। प्रार्थना जैसे मछली जल के बिना मर जाती है, प्रार्थना के बिना मसीही जीवन भी कमजोर होकर लुप्त प्राय हो जाता है। प्रभु यीशु भी इस बात को कहते हैं मत्ती 6 अध्याय में, जब तुम प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। यूहन्ना को लोग प्रार्थना पुरुष कहते थे। आपको, आपके साथ रहने वाले, आपके घर के लोग,
आपके अपने, आपके कलीसिया के लोग, आपके पासबान, क्या आपको प्रार्थना पुरुष या प्रार्थना स्त्री कह सकते हैं? अब्राहम के बारे में परमेश्वर कहता है वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा। प्रियो, अगर प्रार्थना है तो जय है, प्रार्थना है तो छुटकारा है, प्रार्थना है तो चमत्कार है, प्रार्थना है तो बंधनों से आजादी है, प्रार्थना है तो छुटकारे हैं, प्रार्थना है तो अद्भुत कार्य है, प्रार्थना है तो बंधनों की नींव गिर जाती हैं, प्रार्थना है तो आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। प्रार्थना, इस साल के अंत में जब हम पहुंच रहे हैं, आप सोचिए परमेश्वर इस पूरे साल हमारे लिए विश्वस्त रहा, उसने हमें संभाला, जो आवश्यकताएं थी उसको उसने हमारे जीवन में पूरा किया। क्या हम उसको धन्यवाद देते हैं? क्या हम उसके साथ समय बिताते हैं? अब्राहम के बारे में परमेश्वर कहता है वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हमारा प्रभु प्रार्थना सुनने वाला है, हमारा प्रभु प्रार्थना का उत्तर देने वाला है, हमारा प्रभु प्रार्थना को पसंद करने वाला है, और प्रार्थना करने वालों से वो कभी विमुख नहीं रहता। आज आपके जीवन में बड़ी से बड़ी तकलीफें अगर आपके सामने हैं, आप उनको प्रार्थना में प्रभु के सामने लेकर आइए, प्रार्थना कीजिए, आपके जीवन की परिस्थितियों को प्रभु बदलकर परमेश्वर की जय को आपके जीवन में उत्पन्न करेगा। हालेलुया। आप कितनी प्रार्थनाओं को आप देखते हैं बाइबल में, लंबी प्रार्थनाएं हैं लेकिन छोटी छोटी प्रार्थनाएं भी हैं, कई छोटी प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। हन्ना की प्रार्थना एक छोटी सी प्रार्थना थी, योना की प्रार्थना जो मछली के पेट के अंदर से की गई वो एक छोटी सी प्रार्थना थी। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना स्वर्ग को पृथ्वी पर ले आती है, प्रार्थना परमेश्वर के कार्यों को मनुष्य तक पहुंचाती है, और प्रार्थना स्वर्ग का विधान है, स्वर्ग का कानून है। हम प्रार्थना में परमेश्वर की करीबी को अनुभव करते हैं, प्रार्थना हमारे जीवन को, आत्मिक जीवन को मजबूत बनाती है, प्रार्थना हमें ही आप देती है कि हम अकेले नहीं हैं, प्रभु हमारे साथ है। क्या आपके जीवन के लिए है, जैसा अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने कहा, क्या आपके जीवन के लिए कोई कहेगा कि ये प्रार्थना करने वाला भाई है, ये प्रार्थना करने वाली बहन है? अगर है तो आप विश्वास जानिए प्रभु आपके लिए अद्भुत अद्भुत कामों को करना प्रारंभ करेगा। आज मैं आपसे एक प्रार्थना रिक्वेस्ट मांगता हूं। एक बेटी है जिसका नाम जिया है, 12 साल की है, 7th क्लास में पढ़ती है, लेकिन कुछ ऐसा इन्फेक्शन वायरस उसके ब्रेन में जाकर वो अभी कोमा में है। आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना से कोई कार्य कठिन नहीं है। आपका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह जब प्रकट होगा, आप सब जब प्रार्थना करेंगे, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर उस बेटी को छुटकारा देंगे, चंगाई देंगे। मैं विश्वास करता हूं आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना पुरुष, प्रार्थना स्त्री बनिए। हमारे पास और कुछ भी नगर नहीं भी है, प्रार्थना कीजिए, सब कुछ प्रभु देना प्रारंभ करेगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। आज हम अब्राहम के विषय में सुन रहे हैं, परमेश्वर कहता है वो प्रार्थना करने वाला है, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा। आज हम भी काश इस सच्चाई को समझ पाए हैं, और परमेश्वर की सहभागिता में हम प्रार्थना के साथ जयवंत होना प्रारंभ कर दें। धन्यवाद आपने इस प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगता हूं पिता,
आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे।